संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी नई शिक्षा नीति जो हाल ही में हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा, यानी हमारा शिक्षा मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब से उसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, ना कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये भी एक नई अपडेट है। तो बात करते हैं दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो क्या चर्चा इस पर बनती है, क्या आपके लिए नई चीज़ें लेकर के आई है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ न्यू, इसमें चेंज क्या हुआ है, नई चीज़ क्या आई है हमारे लिए, नया क्या है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, क्या ये काम की पॉलिसी है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करें अगर GDP की, तो अभी तक पूरे स्टेट्स और केंद्र को मिला करके हमारी एजुकेशन सिस्टम पर, हमारे जो शिक्षा पर बच्चों पर खर्च होता था वो हमारी GDP का 4.43% होता था, जिसको बढ़ा करके अब 6% कर दिया जाएगा। तो ये एक अपडेट निकल के आया है हमारे सामने। इसके अलावा अगर आगे की बात करें तो 10+2 सिस्टम को 5+3+3+4 सिस्टम के अंदर चेंज कर दिया गया। अब ये सिस्टम क्या है, इसका हम आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अभी बुलेट्स पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस करना है। फिर थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है अब तक जो इंडिया में, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी ये उभर करके सामने आई है, देखिए आपके लिए क्या लेकर के आती है। इसमें आपका लैंग्वेज को लेकर के कुछ चेंज किया गया है, हायर एजुकेशन में चेंजेस किए गए हैं, ग्रेजुएशन सिस्टम में चेंजेस किए गए हैं, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उसको लेकर के चेंज हैं, असेसमेंट रिपोर्ट यानी आपका जो रिज़ल्ट बनता है उसको लेकर के चेंजेस किए गए हैं, टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया गया है आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस के अंदर, और टीचर रिक्रूटमेंट का जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला है उसको थोड़ा सा बदला गया है, कोशिश की गई है मोर प्रैक्टिकल होने की। तो अब बात करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी, इनका भी लेकर के भी कुछ, इनको लेकर के भी कुछ नियम बताए गए। बढ़ते हैं दोस्तों वन बाय वन इस पर चर्चा करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं इस एजुकेशन पॉलिसी में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि 5+3+3+4 सिस्टम, जो 10+2 सिस्टम जो हमारा चला जाता था, क्योंकि पहले एक बच्चा फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक पढ़ता था, उसके बाद वो +1 पढ़ता था और +2 पढ़ता था। तो ये सिस्टम हमारे देश में काफ़ी सालों से लागू है। अब इस सिस्टम की जगह हमारा जो सिस्टम लाया गया है नया, तो इसको 5+3+3+4 सिस्टम नाम दिया गया है। अब ये है क्या दोस्तों, इसको कुछ स्टेजेस के अंदर बांटा गया है। जैसे फर्स्ट जो फाउंडेशन स्टेज रखा है इन्होंने 5 साल का, उसमें आपके बच्चे को 3 साल तक की प्री प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, जो कॉन्वेंट स्कूल ऑलरेडी फॉलो करते हैं, LKG UKG नर्सरी, वो सेम सिस्टम आपका लागू किया जाएगा हर स्कूल के अंदर। 3 साल तक आपके बच्चे को प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, उसके बाद 2 साल तक आपका क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की पढ़ाई कराई जाएगी। तो फाउंडेशन स्टेज आपकी 5 ईयर की रहेगी, तो ये कंप्लीट फाउंडेशन स्टेज कहलाएगी 5 साल की। इसके बाद आपका बच्चा प्रवेश करेगा प्रीपरेटरी स्टेज के अंदर। प्रीपरेटरी स्टेज जो आपकी 3 साल की रहेगी, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 तक आपकी इसमें पढ़ाई कराई जाएगी, 3rd, 4th और 5th। इसके बाद आपका बच्चा प्रवेश करेगा जी मिडिल स्टेज में, ये अगेन 3 साल का होगा, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8। इसमें कोडिंग सिस्टम जो है 6th क्लास से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी आपके बच्चों को मोर प्रैक्टिकली यानी जॉब ओरिएंटेड बनाने के लिए, प्राइवेट फील्ड में भेजने के लिए, क्योंकि आगे
जो युग आने वाला है पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन आने वाला है, तो आपके बच्चे को तैयार करने के लिए 6th क्लास से ही कोडिंग को आपके करिकुलम का, आपके सिलेबस का पार्ट बना दिया जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी स्टेज में दोस्तों 4 साल की सेकेंडरी स्टेज रहेगी, जिसमें क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई कराई जाएगी। अब इसमें 10th और 12th का जो बोर्ड सिस्टम है वो एज इट इज़ लागू रहेगा, लेकिन उसमें चेंजेस ये रहेंगे कि ये जो है सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाएगा, यानी साल में 2 बार पेपर होंगे। तो सेमेस्टर सिस्टम जैसे कॉलेजेस के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ लागू करती हैं, यानी अब आपका बच्चे को पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कुछ और चेंजेस हैं, जैसे पहले हम जो हमारा सब्जेक्ट चूज़ करते थे वो आफ्टर जो 10th क्लास करते थे, यानी 11th के अंदर आप जा कर के चूज़ करते थे, लेकिन वो सिस्टम चेंज करके अब 9th क्लास से ही आप अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सिस्टम जो बदला गया है। अब बात करते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की। दोस्तों अगर मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो पूरी के पूरे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और ये साल में 2 बार होगा। NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी को ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग के कॉलेजों को छोड़ करके बाकी सबका जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगेन यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी है कि इसको भी मैंडेटरी सरकार द्वारा नहीं बनाया गया, तो यूनिवर्सिटी चाहे तो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। अब बात करते हैं हमारे ग्रेजुएशन सिस्टम में क्या चेंजेस किए गए हैं। ग्रेजुएशन सिस्टम में दोस्तों यहाँ पे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्ज़िट का ऑप्शन आपको दिया गया है, मतलब अगर आप 1 साल तक ग्रेजुएशन सिस्टम के अंदर पढ़ाई करते हैं तो आपको पहले क्या होता था कि अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन मानी जाती है हमारे यहाँ पे, अगर आपने 2 साल पढ़ाई की है और उसके बाद आपने छोड़ दिया, यानी आपको 5 साल के लिए आप अपनी स्टडी को छोड़ना पड़ गया, तो आपको फिर से 1st ईयर से स्टार्ट करना पड़ता था, ऐसा सिस्टम था। अब क्या होता है कि अब जो नया सिस्टम है इसके अंदर अगर आपने 1 साल की पढ़ाई की है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उसके लिए आपको उसका सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा, अगर आपने 2 साल बाद छोड़ दी है तो एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, और 3 साल की अगर आपने पढ़ाई पूरी की है तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी, और इसके साथ ही अगर 4 ईयर की आपने पढ़ाई कर लेते हैं तो बैचलर डिग्री विद रिसर्च ये आपको डिग्री मिलेगी। इसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का सिस्टम यही है कि आप कभी भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और कभी भी आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं। इसके साथ और क्या चेंजेस किए गए हैं, इसके साथ चेंजेस किए गए हैं कि आप एक साथ कई अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, यानी आप 1st ईयर के अंदर कोई अदर सब्जेक्ट के साथ अपने पढ़ाई कर सकते हैं, और 2nd ईयर में अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहें तो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब इवन आप हिस्ट्री के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ सकते हैं, तो यानी ऐसा मिक्सअप सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे किया गया है। ये स्टार्टिंग से ही यानी स्कूल सिस्टम से ही ये लागू कर दिया जाएगा और ग्रेजुएशन सिस्टम तक ऐसे ही चलेगा। अब बात करते हैं असेसमेंट रिपोर्ट की। असेसमेंट रिपोर्ट यानी आज तक आपका जो ट्रेडिशनल टाइप से रिजल्ट बनता आया है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। अब इसमें पीयर असेसमेंट रखा गया, यानी आपका जो सहपाठी है यानी आपके साथ जो बच्चा पढ़ता है आपके बच्चे के साथ, वो भी आपको नंबर देगा। स्पोर्ट्स की काफ़ी अहमियत इसके अंदर इक्वल रखी गई, यानी आपकी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा और उसके भी इक्वल नंबर जोड़े जाएंगे। इसके अलावा टीचर से भी असेसमेंट होगा, आपका टीचर भी आपको नंबर देंगे, और सेल्फ असेसमेंट यानी आप खुद के खुद नंबर भी दोगे, खुद को भी नंबर दोगे, और ये सारे अंक मिलाकर के ही आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों ये असेसमेंट रिपोर्ट जो है इसके अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस किया गया है। और बढ़ते हैं आगे क्या और चेंज किए गए हैं लैंग्वेज के अंदर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हो, लैंग्वेज के अंदर जो चेंज किया गया है, अभी तक जो है इंग्लिश को मैंडेटरी बताया गया कई क्लासेस के अंदर, अब इंग्लिश को एक तो नॉन मैंडेटरी किया गया है, दूसरी बात बच्चा चाहे तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज, अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर पढ़ाई कर सकता है और उसी के अंदर एग्ज़ाम भी लिख सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा चेंजेस किया गया, अलग अलग स्टेट्स को अपनी लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए जो है प्रमोट किया जाएगा। अब बात करते हैं टीचर रिक्रूटमेंट की। टीचर रिक्रूटमेंट भी इसमें भी काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। टेट एग्ज़ाम होगा और उसके साथ आपका इंटरव्यू होगा टीचर का, और उसके साथ आपको डेमोंस्ट्रेशन भी देना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप पढ़ा सकते हैं। और जो विद्यार्थी स्पेशल अगर टीचर ही बनना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल बीएड प्रोग्राम भी लागू किया गया है, जो 12th के बाद
डायरेक्ट आप 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी विदेश में कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा करवाती है, लेकिन ये लागू पूरी तरह से कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ें जो हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें जिस पर हमने डिस्कस किया, तो काफ़ी कुछ अच्छा है और काफ़ी कुछ इसके साथ अगर चेंजेस किए जाते हैं हमारे सिस्टम में भी, तो ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगी। और अगर मल्टी लैंग्वेज का सिस्टम हमारी गवर्नमेंट रखना चाहती है और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी ये पॉइंट रहेगा, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी बढ़ावा दिया जाएगा कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में अपना आ करके कॉलेज खोल सकती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कंपटीशन बढ़ने वाला है एजुकेशन में भी, और इतना खर्चा अगर गवर्नमेंट कर रही है तो उसके साथ हमारे स्कूल्स के अंदर इक्विपमेंट्स वैसे रखे जाएं और हमारे सिस्टम में हमारी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो भी अगर बढ़ती है तो उसी प्रकार से हमारे रोज़गार के साधन भी उपलब्ध करवाए जाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।